मुंबई के हाजी अली दरगाह ट्रस्ट पर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दरगाह में महिलाओं की एंट्री पर बैन को गैर कानूनी बताया था और इस फैसले को दरगाह ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। जी मीडिया संवाददाता महेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? ठीक है, क्योंकि इस मामले पे अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी, तो 17 अक्टूबर तक के लिए जो हाई कोर्ट का फैसला था वो स्टे कर दिया गया है, क्योंकि इसमें कल से सुप्रीम कोर्ट के अंदर छुट्टियां हैं दशहरे की, तो ये कोर्ट जो है 8-9 दिन बाद खुलेगा, तो जब इसमें सुनवाई होगी। और आमतौर पर जब कोई स्टे हो जाता है तो वो स्टे बेशक से कोर्ट अगली तारीख तक के लिए वर्ड यूज करता है, लेकिन उस केस का अंतिम फैसला नहीं हो जाता, आमतौर पर वो जो स्टे है, जो रोक है, वो हमेशा हर डेट से पर अगली डेट के लिए आगे बढ़ती रहती है, यानी कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आता है वो स्टे कंटिन्यू रहता है। तो मतलब इसका ये हुआ कि 17 अक्टूबर तक फिलहाल रोक रहेगी, उसके बाद कोर्ट की तरफ से जो अगला आदेश होता है उसको फॉलो किया जाएगा। देखिए, अगले आदेश का मतलब ये है कि जो एक तो फैसला आता है जिसे जजमेंट कहते हैं, और जो स्टे होता है, क्योंकि हर अगली तारीख जो भी लगती है, 1 महीने बाद की, 15 दिन बाद की, 2 महीने बाद की, तो जो स्टे है कोर्ट इसको परमानेंट स्टे वर्ड यूज। बहुत बहुत शुक्रिया महेश इस पूरी जानकारी के।